बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारा लास्ट प्रैक्टिकल है मेट्रोलॉजिकल स्टेशन का विज़िट। इसमें डिफरेंट अपरेटिस लगे हुए हैं, इसको जस्ट ओनली हमने स्टडी करना है कि ये किस तरह काम करते हैं। इसमें फर्स्ट है ये, इसको कहते हैं भाई वेट बल्ब एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ये आपको वेट बल्ब और ड्राई बल्ब टेम्परेचर बताता है, यानी कि जो एयर में आपका ड्राइनेस होती है उसका टेम्परेचर बताता है, या जो एयर में आपकी होती है ये वेटनेस उसका टेम्परेचर बताता है। ठीक है, तो ये एक विकी पैरामीटर होता है ये, यानी कि देखें इसमें इन्होंने पानी में डाला हुआ है तो वाटर जो है ये इसका बताता है कि ये किस तरह टेम्परेचर है, यानी कि आपके एयर में मॉइस्चर को भी बताता है ये किस तरह है। ये एक हमारा छोटा था यानी कि अपरेटस है जो वेट बल्ब और ड्राई बल्ब टेम्परेचर को बताता है। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट वन। और सेकंड वन इज़ आवर एनेमोमीटर। ये आपकी एयर की स्पीड को बताता है, ये जो है कि एयर की स्पीड कितनी है, दिस इज योर एनेमोमीटर। ठीक है, और ये थर्ड वन इज योर डायरेक्शन ऑफ योर एयर। आपकी विंड की जो है वो उसकी डायरेक्शन को बताता है। ये देखिए इसके तीर का निशान बता रहा है कि इधर से एयर आ रही है, इधर से एयर आ रही है, इधर से एयर जा रही है, इधर को जा रही है। तो ये है आपकी विंड डायरेक्शन बताने के लिए, ये आपकी है विंड स्पीड बताने के लिए एनेमोमीटर। उसके बाद आपका है ये एक दो तीन चौथी चीज है एवेपोरेशन पैन। एवेपोरेशन पैन में बड़ा ही सिंपल है कि जनाब एक ये स्केल लगा हुआ है यहाँ। ठीक है, तो आप इसमें पानी डालते हो, जब पानी डालते हो आप एक टाइम एयर कर लेते हो 3 आवर। आफ्टर 3 आवर कितना पानी आपका एवेपोरेट होता है वो वहाँ से स्केल के थ्रू पता चल जाता है। तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है व्हाट इज़ पाई, तो आप सर्कल के थ्रू इसका एरिया इजीली निकाल के आप बता सकते हो कि ईजीली कि आपका कितना पानी जो है वो एवेपोरेट होगा। तो आप इससे कैलकुलेशन कर सकते हो जनाब के ये 4 आवर में आपका इतना पानी एवेपोरेट हो जाता है। इट्स वेरी सिंपल, एवेपोरेशन पैन है। सर स्केल की तरह इसमें उसके बाद है आपका ये मेल गेज। ये वाले दो सोयल साइंस वाले के ये आपके कोर्स में नहीं है, बट सेकंड थर्ड वन इज़ दी रेन गेज। रेन गेज इज़ वेरी वेरी सिंपल कि आपकी बारिश कितनी हो गई है इसे आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा ही सिंपल है जनाब। इसमें एक ये कप है, अंदर कप लगा हुआ है, ये देखो जी। तो इसमें जितनी बारिश आपकी आती है इस सर्कल के ऊपर वो इसके अंदर ना आती रहती है। ठीक है, जब इसके अंदर आती रहती है ये ना एक डिस्टेंस के ऊपर बढ़ता रहता है। तो अगर फ़र्ज करें आपकी 2 घंटे बारिश हुई, आप इजीली कह सकते हैं कि जनाब इतने मिलीमीटर आपकी बारिश हुई। और उसके बाद है ये डिजिटल है आपके पास, ये आपके पास डिजिटल रेन गेज है। डिजिटल रेन गेज में ये देखें जनाब, 2 स्केल लगे होते हैं, एक पानी इधर को गिरता है, एक पानी इधर को गिरता है। पहले इसको लेवल करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ये एक चिप है, ये डायरेक्ट आपके कंप्यूटर में लगती है, उसमें आपको फिजिकली मेजर करना पड़ता है। ये वायर जो है आपके कंप्यूटर में लगती है, ये इजीली बता देती है जनाब आपका इतना पानी जो है ना इतने सेंटीमीटर।